Good morning, children. Today we will discuss the methods of disposing waste material. In earlier times, the population was low and therefore the waste was very limited. It was thrown away in vacant spaces away from homes, offices and factories. पहले समय में हमारी जनसंख्या बहुत कम थी और इस कारण कूड़ा भी बहुत कम पैदा होता था। इस कूड़े को ऑफिस, घरों व फैक्ट्रियों से दूर खाली जगह पर फेंक दिया जाता था। But now there are hardly any vacant places available due to increase in population and widespread construction. Hence the amount of waste is increasing. परंतु अब जनसंख्या अधिक बढ़ जाने से कूड़ा बहुत अधिक बढ़ गया है और कोई खाली जगह नहीं बची है. It is proving to be a threat to the health of human beings, animals, plants, water bodies and air. यह कूड़ा इंसानों व जानवरों के स्वास्थ्य तथा पौधों, जल समूह एवं हवा के लिए खतरा बन गया है. There are different ways of disposing of waste. कूड़े के निस्तारण के कई तरीके हैं. They are landfills, burning the trash, recycling and making compost. Number one, landfill, जमीन का भराव करना. Number two, burning the trash, कूड़े को जलाना. Number three, recycling, पुनरावृत्ति करना. Number four, making compost, कंपोस्ट खाद बनाना. But each method has some disadvantages, पर हर तरीके के अपने नुकसान हैं. The landfills require space. Once filled, new sites are required. जमीन का भराव करने के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है, जो कि जल्दी भर जाती है. फिर नई जगह खोजनी पड़ती है, जो आसानी से नहीं मिलती. The waste can be burnt, but it pollutes the air and harms the surroundings. कूड़े को जलाया जा सकता है, किंतु इससे हवा का प्रदूषण होता है और आसपास की जगह की हवा को नुकसान होता है. आपको दिल्ली के स्मोक के बारे में जानकारी होगी, जो पराली के जलाने से होता है. All methods of waste disposal are costly and the governments have to spend huge amounts of money on waste disposal. कूड़ा निस्तारण के सब तरीके महंगे होते हैं और सरकार को कूड़े का निस्तारण करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है. Hence, we must reduce waste and recycle items from the waste. All biodegradable items must be converted into compost. अतः हमें कूड़े को कम करना चाहिए. जो कूड़ा रिसाइकल हो सकता हो, उसे रिसाइकल करना चाहिए तथा बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कंपोस्ट में बदलना चाहिए. वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट. ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज. हमें कूड़े पर कंट्रोल करना चाहिए. हर व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फैलाने, थूकने अथवा यूरिनेट जैसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए. People should be encouraged to construct toilets in rural areas. लोगों को गांवों में टॉयलेट्स बनाने चाहिए. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must make strict laws to maintain cleanliness in public places.
शहरों में ओपन एरियाज में टॉयलेट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। सरकार को पब्लिक प्लेसेस की सफाई के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। सिंगापुर लॉज लिटरिंग एंड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज सीवियरली पनिश्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में पब्लिक प्लेस में कूड़ा फेंकने तथा थूकने पर कठोर दंड मिलता है। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स और पब्लिक प्लेसेस एज अ पनिशमेंट। जो लोग पब्लिक प्लेस में कूड़ा फेंकते हैं उन पर फाइन लगाया जाता है तथा उनसे सफाई कराई जाती है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 0.2 to 0.6 किलोग्राम ऑफ गार्बेज पर हेड पर डे। भारत में हर व्यक्ति प्रतिदिन 0.2 to 0.6 किलोग्राम कूड़ा पैदा करता है। इन सम एरियाज अ वैन और अ स्वीपर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम होम्स ऑफिसेस एक्सेट्रा। द डस्टबिन्स एट रोड साइड्स आर ऑल्सो एम्प्टीड इंटू गार्बेज ट्रक्स एंड टेकन टू लैंडफिल्स। घरों ऑफिसों तथा सड़क किनारे कूड़ेदान से सफाई कर्मचारी और कूड़े की गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा करके लैंडफिल में फेंक देते हैं। इट इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेट अस रिड्यूस द वेस्ट लिव इन हार्मनी कोऑपरेट विद अदर्स एंड फॉलो आर ड्यूटीज टू मेंटेन क्लीन एंड ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स। हम कूड़ा कम पैदा करें तथा दूसरों के साथ सामंजस्य तथा सहयोग के साथ रहें और अपने आसपास को साफ रखने के कर्तव्य का पालन करें। डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम। ही स्पेंड्स हिज मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इन द पार्क। डॉक्टर मेहता केशवपुरम में रहते हैं। वह अपने सुबह और शाम का समय पार्क में गुजारते हैं। ही हैज बिल्ट अ टीम ऑफ चिल्ड्रन वॉलंटियर्स हु हेल्प हिम इन क्लीनिंग द पार्क प्लांटिंग ट्रीज मेंटेनिंग द स्विंग्स एक्सेट्रा। उन्होंने बच्चों के स्वयंसेवकों की टोली बनाई है जो कि उनको पार्क साफ करने पेड़ लगाने झूलों का रखरखाव करने में मदद करती है। His efforts have converted a dirty and barren park into a lush green meeting place for the young and the old. उनके प्रयासों से गंदा व उजड़ा पार्क छोटे व बड़े लोगों के मिलने की हरी भरी जगह में परिवर्तित हो गया है। The flowers add to the beauty of the park. फूल पार्क की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट्स द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन्स इन द पार्क। हर सुबह कूड़ा गाड़ी पार्क के डस्टबिन से कूड़ा इकट्ठा करती है। डॉक्टर मेहता बिलीव्स डू व्हाट यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट। डॉक्टर मेहता विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी को कूड़े से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज टू डू नथिंग। एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स। सबसे बड़ी गलती कुछ ना करना है। छोटे से छोटा प्रयास भी मायने रखता है।